दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोवर फिनांस के CLV कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में। एंट्री लेवल्स और आने वाले दिनों आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। करंटली कॉइन 0.0478 पर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छे डाउन ट्रेंड, एक अच्छे डिप के अंदर वापस से इस कॉइन की प्राइस हमें देखने को मिल रही है और वापस से एक बहुत अच्छा पोस्ट इस कॉइन के अंदर निकल के आ रही है। जो लोग इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं उनके लिए बात करेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटेजी शेयर की जा सके। चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 0.0478 पर अभी ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है और आज अगर देखें तो ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट BTC में थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला है। BTC 27,400 से ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है और कल से अभी तक BTC में 3-4% का पंप देखने को मिला है। ओवरऑल ये चीज़ें मैंने कल के कुछ वीडियो शेयर किए थे, कल एंट्री पॉइंट शेयर की थी PHB कॉइन, UMA कॉइन, OG फिन टोकन, इन रेड कॉइन, इन कॉइन्स की मैंने एंट्री लेवल शेयर की थी। अगर वहाँ पर आपने उन कॉइन्स में एंट्री ली होगी, कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको अभी इन कॉइन्स में कुछ प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, आपका पोर्टफोलियो जो है वो प्रॉफिट के अंदर होगा। और यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगा BTC का कि BTC 27,200 से ऊपर आज की जो डेली क्लोजिंग है वो करे। 27,200 वाला जो एरिया है वो BTC के लिए रेजिस्टेंस एरिया था। अब यहाँ पर अगर BTC 27,200 से ऊपर डेली क्लोजिंग करता है तो ये इसके लिए सपोर्ट एरिया रहेगा। और यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी भी मेंटेन करता है 27,200 से लेके 28,000 के बीच में भी मूव करता है तो यहाँ से अल्ट्स में थोड़ा मूवमेंट, जो डंप देखने को मिला है वो डंप रिकवर होगा। यहाँ पर कुछ कॉइन्स में अच्छा मूवमेंट है, 10-15% 20% तक का मूवमेंट कुछ कॉइन्स में देखने को मिला है, जिन कॉइन्स के अंदर हमने आज से 4-6 दिन पहले एंट्री शेयर की थी तो उनमें आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। इस कॉइन की अगर बात करें तो ये अभी अपने लोवेस्ट पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर देखें तो जो रिसेंटली 10 वाला लेवल इसने ट्राई किया था वहाँ से 50% डिस्काउंट के अंदर अभी ये कॉइन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसने 10 वाला जो लेवल है ये फरवरी मंथ में ट्राई किया था, वहाँ से लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है, लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और जो जिस लेवल पर ये कॉइन दिसंबर मंथ में ट्रेड कर रहा था, जिसका दिसंबर मंथ में इस कॉइन ने 0.049 वाला लो बनाया था, उससे भी नीचे प्राइस आ गई है। तो जिन लोगों ने दिसंबर मंथ में बाई करके प्रॉफिट जनरेट किया था, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मिस कर दिया होगा या फिर कुछ ऐसे हैं जो अभी एंट्री इस कॉइन में देख रहे हैं, तो अभी अगर देखें तो जिस जहां पर आपने दिसंबर में एंट्री ली थी, चाहे लॉन्ग टर्म में एंट्री ली हो या शॉर्ट टर्म में एंट्री लेकर प्रॉफिट बुक किया है, अभी वापस उसी लेवल पर ये कॉइन आ गया है। और यहाँ अगर हम एंट्री मिस करेंगे, इस लेवल पर अगर एंट्री नहीं लेंगे तो ये अपोस्ट्री अब अगर निकल जाएगी तो बहुत ही मुश्किल है कि इस लेवल पर हमें वापस से, चाहे वो BTC हो या दूसरे कॉइन्स हो, इनकी प्राइस देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा करेक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ BTC में और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में, क्योंकि 31,000 वाला BTC ने एरिया ट्राई किया था, वहाँ से रिसेंटली 25,800 तक BTC चला गया था। मोटा मोटा 15-20% तक का करेक्शन था, जो कि नॉर्मली है। कुछ चीज़ें मार्केट के अंदर जो न्यूज़ निकल के आ रही थी, कुछ डाटा रिलीज़ हो रहा था उसकी वजह से देखने को मिली, कुछ यहाँ पर करेक्शन भी था, तो दोनों चीज़ें देखने को मिली। और जब भी करेक्शन होता है, करेक्शन मार्केट के लिए हेल्दी रहता है, ब्रेकआउट को सपोर्ट करता है। और जिस टाइप से हम अगर हमारी सिचुएशन देखें या मार्केट से हम कंपेयर करें तो मार्केट इसी टाइप से मूव करता है, थोड़ा मूव किया फिर वहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन किया, यानी कि वहाँ पर वो रेस्ट करेगा, 4-6 दिन 10 दिन रेस्ट करेगा, फिर वहाँ से मूवमेंट देखने को मिलेगा, थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें जो मार्केट में चलती रहती है। लेकिन अगर हम कहें लॉन्ग टर्म में बात करें तो लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट से प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, चाहे आपको 100% हो, 200% हो। शॉर्ट टर्म में भी अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता है, प्रॉपर आप टेक्निकल चीज़ों से मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पर भी आप रेगुलर बेसिस पर
हर महीने अच्छा खासा 40-50% का 2-3 ट्रेड लेकर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। हम आपको हर महीने जब भी अपोस्ट आती है, जब भी एक अच्छी डिप रहती है, जब भी एक अच्छा लेवल रहता है, वहाँ पर एंट्री पॉइंट शेयर करके आपको 30-40% तक का प्रॉफिट दिलवाते हैं। यहाँ पर अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 0.043 वाला जो लेवल है एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है इस कॉइन के अंदर, जिससे ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है, डेली क्लोजिंग भी इससे ऊपर देखने को मिली और 4.3 को तो ट्राई नहीं किया है। ऊपर की तरफ 0.052 वाला एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, जहां अभी अगर ये ट्राई करता है तो वहां से एक नॉर्मल रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले ये सपोर्ट एरिया था। उसके बाद 6061 के अराउंड में नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, जिसको जो कि इसके लिए पहले सपोर्ट एरिया था और ऑलमोस्ट मार्च मंथ के अंदर, अप्रैल मंथ के अंदर इस लेवल पर इसने स्टेबिलिटी मेंटेन की थी और उस सपोर्ट एरिया को मेंटेन किया था। बात कर लेते हैं एंट्री की, 0.0478 पर अभी ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हालांकि कल मैं इस कॉइन की एंट्री शेयर कर रहा था लेकिन कुछ रीजन से नहीं कर पाया और उस टाइम पे हमें ये कॉइन 465 का राउंड मिल जाता। अभी हम वेट करेंगे 0.0475 वाले लेवल का, और 475 पर जब जैसे प्राइस आती है आपको एंट्री लेनी है। एंट्री आपको 70% पार्ट से लेनी है, जो भी अमाउंट आप इस कॉइन में लगाना चाहते हैं उसके 70% पार्ट से। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत करेक्शन होता है, कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, लेकिन मार्केट के लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, सेकंड लेवल के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और सेकंड एंट्री आपको 0.044 पर लेनी है, जो रहेगी बाकी 30% जो पार्ट हम बचाएंगे उससे। इस टाइप से 70-30 की रेशो में आपको एंट्री लेनी है। टारगेट्स की बात करते हैं तो जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री लेंगे, यानी कि क्विक प्रॉफिट अर्न करने के पर्सपेक्टिव से, उनके लिए 0.057 वाला टारगेट रहेगा, जहां पर आपको अपना 60% पार्ट सेल आउट करना है। सेकंड टारगेट रहेगा 0.061 वाला, जो कि इसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, वहां पर आपको बाकी 40% पार्ट सेल आउट करना है। इस टाइप से 60-40 के रेशो में आपको सेल आउट करना है। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं, उनके लिए 0.068 वाला टारगेट रहेगा, जहां पर आपको अपना 100% पार्ट सेल आउट करना है। ऊपर की तरफ यहां पर 61 के बाद इसको इनको ऑलमोस्ट 7274 वाला रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ पर जो कि बहुत टाइम से इसने ट्राई किया था लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया है। तो इजीली आपको इस मंथ के एंड तक बात करें या फिर जून में, ये कॉइन आपको शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट देकर चला जाएगा। बाकी जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर हैं, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें, ताकि आप क्रिप्टो लॉसेस से बच पाएं, ओवर ट्रेडिंग को मैनेज कर पाएं। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी शेयर की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपने क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें। यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप के वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। थैंक यू।